चाचा आए थे पहले, तो वो पंतनगर से यहाँ से लेके गए, मटर का बीज भी लेके गए हैं, और ये भाई हैं हमारे, ये सर आते हैं, शायद मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा। फुट पे जो गन्ना बोते हैं ट्रेंच से, तो सर उसके बीच में स्पेस बहुत फ्री होता है, तो उसके लिए हम ये सोच रहे थे कि कोई ऐसी वैरायटी हो जो मतलब कि 95 से 100 दिन में कंप्लीट हो जाए, जो हमें गन्ना बड़ा होने से पहले पहले अपना कट जाए। तो हमारी नई रिलीज वैरायटी है, 2017 में ये सेंट्रल वैरायटल रिलीज कमेटी से ये रिलीज हुई है, और इस वैरायटी की खासियत ये है कि ये पूरे नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन जो है, उत्तरी पश्चिमी एरिया, उसके लिए रिलीज है, और इसमें ये टॉल टाइप की वैरायटी है। आजकल चने में जोर है मैकेनिकल हार्वेस्टिंग, जो जिसकी हो सके मशीन से हम जिसको कटाई कर सके, उस तरह की वैरायटी रिलीज करने पर है। देखिए गेहूँ हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, और महत्वपूर्ण फसल होने के साथ साथ में पंतनगर विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान गेहूँ की नई प्रजातियाँ निकालने में है। तो हम जितना भी अनुसंधान कर रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों की प्रजातियाँ, मैदानी क्षेत्रों की और तराई क्षेत्र की, तो इसमें हमारी जो नई प्रजाति है UP 2885 वो पिछले ही वर्ष विकसित हुई है और बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली है। जो हमारी HD 2967 जो प्रजाति है, जिसका लगभग 60 कुंटल से लेके 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज है, तो इस प्रजाति की भी हमारी जो उपज है वो हमारी लगभग 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। अगर हमारे पास खेती के साथ साथ, यानी फसल के साथ साथ अगर डेयरी भी है, एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स को हम वो जो फॉडर है, जो उसका स्ट्रॉ है, वो खिलाते हैं, तो इस तरह जो एक क्रॉप का वेस्ट होता है वो एनिमल्स के लिए इनपुट हो जाता है। सब एग्रीकल्चर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है थर्ड ईयर के, तो इनको सब सब्जेक्ट से उसका प्रॉपर नॉलेज, क्योंकि यहाँ हम ये गोवा में वो हीवी रेनफॉल रीजन है, और यहाँ नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा कम है उससे अलावा, सो एग्रोक्लाइमेटिक जोन ये डीपर है, सो सभी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स का नॉलेज प्रॉपर मिलने के लिए हम यहाँ विजिट करने आए। यहाँ तक हम पॉली हाउस की बात करते हैं कि इस पॉली हाउस को बनाने के लिए सबसे जरूरी लागत की बात है, तो इस पॉली हाउस का जो खर्चा है वो 800 रुपए से 1000 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर खर्चा है, और ये जो पॉली हाउस है ये नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस है, मतलब प्राकृतिक हवादार पॉली हाउस है। कालसी चक्राता वाली जो हमारी बेल्ट है वहाँ बहुत अच्छी राजमा होती है, ये हमने 3 एंट्री अभी हमारे ट्रायल में है, आने वाले समय में ये किसानों को भी दी जाएंगी। पैदावार अच्छी है, और इसकी जो खाना बनाने में जो कुछ राजमा होती है गलती नहीं है, ये जो गलती जो बहुत अच्छी है। कुछ वर्षों से जो है विभिन्न प्रजातियां जो है, जो अच्छी प्रजातियां जो है, यहां पर हमने उनका एक तरफ से कलेक्शन कर रखा जो है, और हम ये देख रहे हैं इसमें कि सबसे बढ़िया प्रजाति इसमें कौन सी निकलती है जो है